कुल्ली हाल जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है एक एक सांस का भी अल्लाह के शुक्र ही अदा नहीं कर सकते कि सांस जो हमें आ रही है बगैर तकलीफ के हम बोल पा रहे हैं हम चल फिर पा रहे हैं इतनी नेमतें हैं कि अपने जिस्म को देख के अगर काउंट करना शुरू करें तो बंदा हैरत, हैरान हो जाता है कि या अल्लाह तेरी क्या ही शान है और तेरी क्या ही कुदरत है सबसे बड़ा कादिर तू है तो उन्हें इंसान जैसी तखलीक बनाई और हमें हर वो चीज अता की जो हमें ज़रूरत थी अपने आजाब पे ही गौर करना शुरू अगर हम कर दें तो हमारा सर सजदे से उठे नहीं आज का टॉपिक बड़ा ही जबरदस्त टॉपिक है क्योंकि इसके बारे में मुझे बड़ी करियोसिटी रही है बड़े अरसे तक और सही जवाब बहुत से मुझे नहीं मिल पाए थे मैं उम्मीद करूंगी कि इस मुख्तसर से टाइम में हम बहुत से एरियाज को कवर करें डेफिनेटली हम बहुत डिटेल में तो नहीं कर सकेंगे लेकिन इतना हम कर लें कि हमें बेसिक चीजों के जवाब बड़े अच्छे तरीके से मिल जाए अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी जबान की गिरा खोल दे और जो चीजें मुझे समझ आई मैं आप तक अच्छे तरीके से कन्वे कर सकूं हम सब उमत मुस्लिमा हैं और आज हम देखेंगे कि हम पे कितना बड़ा फर्ज है पींग उमत वस्त कि हमने बेदात को फरोग नहीं देना तो मेरी आप सबसे गुजारिश है अपने तौर पे जो जो बिदत आपको नजर आए जो जो खराबी आपको नजर आए बड़े प्यार से बड़े हम्बली आप अपने प्यारों को उस चीज से रोकिए बगैर ये सोचे हुए कि मेरा उससे रिलेशनशिप खराब हो जाएगा अगर वो अल्लाह का बंदा हुआ तो वो तो पूरी जिंदगी आपका शुक्र अदा करता नहीं थकेगा कि आप उसके ईमान को बचा लेंगे लेकिन बहुत प्यार से बहुत हम्बल तरीके से बहुत ही एहसन तरीके से अपने लफ्जों का चुनाव करते हुए किसी को हकीर ना समझते हुए जरूर बिदतों से रोकें क्योंकि आज उम्र मुस्लिमा को बिदतें खा चुकी हैं और जिधर आप देखें कि बिदत हो रही है जरूर रोकने की कोशिश करें और उसका पार्ट तो बिल्कुल भी ना बने रबी शाहली सौधरी वयसानी يفقه قولي ربي زدنا علما ربي زدنا علما ربي زدنا علما اللهم فكهني في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متكبلا اللهم نفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي يسر ولا وسر وتم بالخير आमीन या आलमीन। बुखारी और मुस्लिम में हजूर पाक अलैहि सल्हसम ने इरशाद फरमाया कि जिस किसी ने हमारे दीन में कोई ऐसी नई चीज की इजाद की जो दीन से नहीं है तो वो मरदूद है और सही मुस्लिम की रिवायत में है कि जिसने कोई ऐसा काम किया कि जो हमारे दीन के तरीके पर नहीं तो वो मरदूद है हम बहुत कॉमनली एक वर्ड सुनते हैं बिद्दत का लफ्ज बिदत बिदा से लिया गया है जिसके माने है किसी चीज का ऐसे तरीके पर इजाद करना जिसकी पहले कोई मिसाल ना हो बिद्दत सुन्नत की जिद है कितनी बड़ी बात है और हमें पता ही नहीं है कि बिद्दत सुन्नत का ऑपोजिट है हम जिद पे खड़े हो जाते हैं क्या आपल अलैहि वसल्लम ने तो हमें एक तरीका बताया है। लेकिन हम इससे भी अच्छा करके दिखाएंगे हालांकि विदा जो हम आज पढ़ेंगे उसमें आप वसल्लम ने बता दिया कि आज दीन मुकम्मल कर दिया गया है उसके बाद दीन में हमने कोई भी चीज इजाद की कोई भी चीज ऐड की वो बिद्दत होगी इस तरह इस लफ्ज के तहत हर किस्म की नई नई इजादात तौर तरीके आदात व अतवार अलूम वनून और शाफ जो हम सुन्नत की जिद में करें उन्हें बिद्दात कहते हैं। एक बहुत कॉमन कहा जाने वाला सेंटेंस कि क्या फर्क पड़ता है हम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हम अल्लाह का कलाम ही पढ़ रहे हैं या, या हम अच्छा ही काम कर रहे हैं हम दीन को प्रमोट ही कर रहे हैं फर्क पड़ता है क्योंकि आप वसल्लम ने एक लाइन ड्रॉ कर दिया है कि दीन मुकम्मल हो चुका है अगर हम ये कहें कि हम इसको ज्यादा अच्छा कर रहे हैं तो क्या हम आप वाली वसल्लम के पास जो दिन अल्लाह की तरफ से आया था क्या हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं हरगिज नहीं हमारे पास दिन मुकम्मल सूरत में दे दिया गया है अब अगर हम इसमें कोई चेंज करेंगे कोई इजाफा करेंगे वो बिद्यत काम होगा हमें लगेगा हम बड़े अच्छे काम कर रहे हैं लेकिन कयामत के दिन उसी के अजाब की वजह से हम जहन्नुम में दाखिल कर दिए जाएंगे अल तजल अल्लाह सुबहान तला हमें तमाम बिदात से बचाए हजुल विदा के बारे में पढ़ने से पहले कुछ चीजें मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी हमें सबको अब तक तो अल्हम्दुलिल्लाह आई होप ये क्लियर है कि हज जो है वो इस्लाम से पहले भी किया जाता था ये सबको क्लियर है लेकिन आप वसल्लम ने इस्लाम के आने के बाद नबूत के आने के बाद हज सिर्फ एक दफा किया और ये क्वेश्चन आता है कि आप वसल्लम जो कि हमारे लिए रोल मॉडल हैं उन्होंने सिर्फ हज एक दफा क्यों किया इसके कुछ रीजन जो हैं वो हम पहले डिस्कस करेंगे पहला रीजन आप देखिए जहालियत के तमदन मेंद मुहर्रम और रजब चार महीने ऐसे थे जिन्हें माहे हराम से ताबीर किया जाता था यानी हुरमत वाले महीने चार थे इसके दौरान हमने पढ़ा है कि अरब में जो लोग थे वो कोई किस्म की जंग नहीं करते थे कत्ल गारत नहीं करते थे कोई खून रेजी नहीं करते थे अलबत्त इसके बदले तिजारत मेल मुलाकात मकामसा की ज्यारत की रसूमा की अदायगी का अहतमाम करते थे यानी चार जो हुरमत वाले महीने हैं कदा जा मुहर्रम और रजब ये हरमत वाले महीने कहलाते हैं इनमें अरब लोग जो थे वो किसी किस्म का कत्लो गारत नहीं करते थे बल्कि इन महीनों में हज अदा करते थे जैसे भी उस वक्त उन्हें पता था मालूम था जिस कंडीशन में भी था वो अदा करते थे अब क्या हुआ कि जब तीन महीने इकट्ठे आ जाते थे कदा जा और मुहरम के तो काफ इतने अरसा जब कतल आरत नहीं करते थे माल उनके पास नहीं आता था तो वो लोग कहते थे कि अब हम क्या करें तो उन लोगों ने क्या किया कि इन्होंने महीने तब्दील करना शुरू कर दिए एक वजह ये थी दूसरी वजह ये थी कि जब गर्मियों में हज आने लगा तो उन्होंने किया कि इस दफा ना रजब जो है वो एक महीने पहले आ गया है और जिल्हजा जो है वो एक महीने बाद आ गया यानी इन्होंने महीनों को तब्दील करना शुरू कर दिया और अपनी मर्जी से महीनों को आगे पीछे कर देते थे इसे नसी कहते हैं इसकी वजह से महीनों की तरदीब तरतीब जो थी वो खराब हो गई और कुराने पाक में अल्लाह सुबह ने हमें मकामात पे बार बार बताया है कि महीने गिनती में बारह ही है और इनकी तरतीब वो ही है जैसे शुरू से चलती आ रही है जैसे अल्लाह ने हमें सिखा दी है पहला रीजन ये कि नसी की जो एक ट्रेडिशन चला आ रहा था कि अपनी मर्जी से महीनों को तब्दील कर देते थे इसको तोड़ने की वजह से जब तक ये टूटी नहीं जब तक महीने प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं हुए तब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज नहीं किया दूसरी बात के इस्लाम से पहले इस्लाम से कबल हर बंदा हज करता था चाहे वो मुशरक हो चाहे वो बुतपरस्त हो चाहे वो मवाद हो चाहे वो किसी भी दीन से ताल्लुक रखता हो वो आता था और उसको हज करने की इजाजत थी लेकिन हम पहले पढ़ चुके हैं कि सन नौ हिजरी में जब आप सल्लाम पे सुर बरात नाजिल की गई तो बता दिया गया कि इस साल के बाद कोई मुशरक खाना काबा का तवाफ़ नहीं करेगा हज की इजाजत नहीं मिलेगी तो पूरा ग्राउंड प्रिपेयर करने के लिए शिरक को हटाने के लिए आप अलैहि वसलम ने नौ हिजरी में हज नहीं किया बल्कि नौ हिजरी में आप अलैहि वसलम ने हजरत अबू बकर सदीक रजिया तेर अहतमाम पहले एक ग्रोह भेजा और उसी दौरान सुरह बारात नाजिल हो गई जिसमें कम्प्लीटली मना कर दिया कि आज के बाद कोई मुशरक जो है वह बैतुल्ला का तववाफ नहीं करेगा तीसरा पॉइंट के अरबों में बहुत गंदी आदत आ गई थी कि वो बरहना हो के तवाफ करते थे और उनका रीजन ये था कि जिन कपड़ों में हम गुना करते हैं कैसे हो सकता है कि उन कपड़ों में हम हज करें अल्लाह सुबहान तला ने मना कर दिया कि कोई इस हालत में हज नहीं करेगा जब कोई बड़ी हस्ती आ रही होती है जब कोई प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन आ रहे होते हैं तो छोटी छोटी, छोटी चीजें पहले से उसको उनको ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है ताकि एंड टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो जब डिटेल हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि आप ले वाले वाले वसल्लम ने जो आखिरी हज किया उस वक्त हज के अहकाम आ गए थे आप ले वाले वाले वसल्लम ने वो हज करके मुसलमानों को सही तरीका बता दिया कि किस तरीके से अब आज के बाद हज किया जाएगा और आप वाले वाले वसल्लम के आने से पहले अल्लाह सुबहाना ने उस सरजमीन से शिर हर किस्म की गलत तो रिवायत कोई भी ऐसी चीज जो पहले होती थी उस सब को क्लियर कर दिया ये शान है आप वसल्लम की और ये तीन चार पॉइंट्स हमारी टिप पे होने चाहिए कि कल कोई अगर हमसे पूछे कि आप सल अलाम रहमतमीन है जिनके लिए दुनिया और आसमान बनाए गए उन्होंने एक दफा हज क्यों किया तो ये कुछ बातें हैं जो बतौर मुस्लिम हम सब को लाजमी पता होनी चाहिए अब थोड़ी सी मैं बात करूंगी हज की टाइप्स कितनी है, जो है वो मंदरजा जेल किस्मों में हम बांधते हैं पहला उमरा इसमें सिर्फ उमरे की नीयत से एहराम बांधा जाता है जो उम्र में के लिए सिर्फ जाते हैं वो उम्रे की नीयत से एहराम बांधते हैं अरब में जब पहले हज किया जाता था इस्लाम से पहले तो उमरे को वो कहते थे हज असगर और हज को उसको कहते थे हज अकबर उसके बाद हज अफराद इसमें सिर्फ हज की नीयत से एहराम बांधा जाता है यानी इसमें जरूरी नहीं है कि आप जाएंगे और पहले आप उम्र करेंगे इसमें आप एहराम ही हज की नीयत से बांधेंगे इसको कहते हैं हज अफराद तीसरी किस्म है हज किरान इसमें उमरा और हज दोनों की नीयत से इकट्ठा एहराम बाजा जाता है और हज के बाद खोला जाता है हज किरान क्या है कि मैं घर से निकली और मैंने कहा जी मैं पहले उमरा करूंगी उसके बाद हज करूंगी और एक ही दफा मैं अपना एहराम खोलूंगी इसे कहते हैं हज करान और हज तमत्तो इसमें पहले उम्रे की नीयत से एहराम बांधा जाता है और उम्र मुकम्मल करने के बाद खोल दिया जाता है अयाम हज में अपनी रिहाइश गह से फिर दोबारा एहराम बांधा जाता है हज के लिए यानी उमरे की नीयत की आपने फिर आपने उमरा करने के बाद एहराम खोल दिया फिर जब हज के दिन आए आपने हज की नीयत से एहराम बांधा और हज अदा करने के बाद आपने वो एहराम खोल दिया इसे कहते हैं तमत्तो। आप सल्लल्लाहु अलैहि ने जब हज किया तो आपने हज करान किया था और हम उसकी डिटेल इनशाला अभी आगे बढ़ेंगे और बींग मुस्लिम बींग रिप्रजेंटेटिव ऑफ इस्लाम ये इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन है ये हमें लाजमी पता होनी चाहिए अब हम बायदा आगाज करते हैं हज़तुल विदा दस हिजरी जब जजीर अरब में दावत की तबलीग मुकम्मल हो गई और अल्लाह ने अहले ईमान की एक ऐसी जमात पैदा फरमाई जो दावत की हिफाजत की जामिन थी कौन सी थी वो जमात

बहुत बड़ा फल अल्लाह सुबहाना उन्हें दे रहे थे सबसे बड़ी फतेह अल्लाह सुबहान तला ने आप सल्लल्लाहु सल वसल्लम को फतेह मक्का के तौर पे दी और सबसे बड़ा रिवॉर्ड अल्लाह सुबहान तला ने हजरतलबिदा की सूरत में आप सल्लल्लाहु सल वसल्लम को दिया चुनाचे आपको दस हिजरी में अल्लाह ताला ने तैतल्ला के हज से मुशर्रफ फरमाया नौ हिजरी में हजरत अबू बकर ने हज किया था और उससे पहले हमने पढ़ा था कि एक और साहबी थे जो हज के लिए एक पूरा वक्त देखे गए थे आपने हज का इरादा फरमाया तो लोगों में इसका ऐलान कर दिया चुनाचे मदीने में बहुत से लोग जमा हो गए हफ्ते के दिन जबकि जिका गुजरने में पांच दिन बाकी थे यानी ट्वेंटी सिक्स जिलकदा को आपने बालों में कंगी की तेल लगाया तहबंद बांधा चादर ओढ़ी और जोहर की नमाज के बाद मदीने से चल पड़े और असर पढ़ने से पहले जुल हलेफा पहुंच गए वहां पहुंचकर दो रकत असर पढ़ी फिर वही रात गुजारी सुबह हुई तो आप सल ने फरमाया आज रात मेरे रब की तरफ से एक आने वाला आया कौन आने वाला आया फरिश्ता और इसने कहा इस मुबारक वादी में नमाज पढ़ो और कहो उमरा हज में शामिल है इससे पहले अरब की एक रसम थी कि हज और उमरे को वो इकट्ठा नहीं करते थे वो कहते थे कि उम्रे के लिए सेपरेट आएंगे हज के लिए सेपरेट आएंगे लेकिन वही के जरिए आप वसल्लम को बता दिया गया कि उमरा हज में शामिल है यानी एक ही सफर में दो काम कर सकते हैं उनकी जबान में अगर कहा जाए तो हज अकबर और हज असगर हम इकट्ठा कर सकते हैं ये दर हकीकत हज में उमरे की अबाहत थी जिसे अहले इंतहाई बुरा समझते थे फिर रसूल ने जहर से पहले गौसल किया सर और बदन में खुशबू लगाई जिसमें भी था, फिर बांधा चादर ओढ़ी फिर दो रकत जोहर की नमाज पढ़ी और मुसल ही पर हज और उम्र का एहराम बांधा और दोनों में किरान किया फिर फरमाया ए अल्लाह उम्रे और हज के लिए हाजिर हूँ इसके बाद लब्बैक पुकारी आवाज सुनते ही दिल पकड़ा जाता है या हमें बार बार हज के लिए उम्रे के लिए बुला हम भी तेरे हजूर हाजिर होके कहें या हाजिर है हम बार बार हाजिर है ए अल्लाह हम बार बार हाजिर है तेरा कोई शरीक नहीं हम बार बार हाजिर है यकीनन तारीफ और नेमत तेरे लिए है और भी, तेरा कोई शरीक नहीं और कभी फरमाते माबूदे बरहक हम बार बार हाजिर है फिर मुसल्ले से उठकर ऊंटनी पर सवार हुए फिर लब बैग पुकारी और जब ऊंटनी आपको लेकर मैदान में चल पड़ी तो आप वसल्लम ने लब बैग पुकारी नमाज के बाद में ही आपने हुदी जानवरों कुर्बानी के जानवरों को कोहान चीरने और इन्हें किलादे पहनाए क्यों पहनाए ताकि लोगों को पता चल जाए कि वो जंग के लिए नहीं आ रहे बल्कि हज के लिए आ रहे हैं तोआ में रात गुजारी और वहीं फजर पढ़कर गुसल फरमाया फिर मस्जिद हराम में दाखिल हुए ये इतवार की सुबह थी आप वसल्लम ने बैतुल्ला का तवाफ किया और सफा मरवा की सही की फिर बालाई मक्का में हजू के पास कयाम फरमाया और दोबारा पलट कर तवाफ नहीं किया अलबत् एहराम बरकरार रखा क्योंकि आप अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी हज किया वो कौन सा था हजरान चिनाचे जो भी अपने साथ हदी लाया था आप सल्लाम वे दिया कि अपना एहराम बरकरार रखे अलबत् नहीं लाए थे हदी कहते हैं कुरबानी का जानवर उन्हें हुक्म दिया कि सही के बाद सर मुंडवा लें और अहराम खोल दें और अपने इस अमल को उमरा करार दे ख्वा उन्होंने हज की नीयत से एहराम बांधा हो या उम्रे की नीयत से या दोनों की नीयत से आप वसल्लम ने फरमाया अगर मुझे पहले वो बात मालूम हो जाती जो बाद में मालूम हुई तो मैं हदीन लाता और उसे उमरा करार देता और अहराम खोल देता यानी आप अलैहि वसल्लम ने कहा कि हज तमत्तो अगर मुझे पता होता कि एग्जिस्ट करता है हो सकता है तो मैं वो करता चुनाचे जिन लोगों के पास हदी नहीं थी उन्होंने एहराम खोल दिया फिर आप वसल्लम ने आठ जिल्हजा तरविया के दिन मना तशरीफ ले गए जो लोग एहराम खोल चुके थे वो भी हज का एहराम बांध कर मना गए वहां आपने जहर असर मगरब इशा और फजर की नमाजें पढ़ी और चार रकत वाली नमाज कसर करके दो दो रकत पढ़ी फिर सूरज तुलू होने के बाद मीना से चल पड़े और अर अरफात शरीफ ले गए वहां वादी निम्रा में आपके लिए कुबा लगा हुआ था आप वसल्लम इसी में इस्तराहत फरमाए हुए थे सूरज रहला तो कस्बा उठनी पर सवार होकर वादिय में तशरीफ लाए लोग आपके गिर जमा थे आपने इनके अंदर खड़े होकर खुतबा दिया अल्लाह की हमदोसना की शहादत के कलमात कहे अल्लाह से डरने की वसीयत की फिर जो बातें कही इसमें आप सल्लाह वसलम ने फरमाया बहुत इम्पोर्टेंट खुतबा है वन टू थ्री करके काइंडली आप लोग पॉइंट्स नोट करते जाइएगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों मेरी बात सुनो मुझे नहीं मालूम गालिबन में तुमसे इस साल के बाद इस मकाम पर कभी ना मिल सकूंगा तुम्हारा खून तुम्हारा माल तुम्हारी आबरू एक दूसरे पर इसी तरह हराम है जिस तरह आज के दिन की मौजूदा महीने की और मौजूदा शहर की हरमत है अल्लाह पर आप वसल्लम ने तो मुसलमान का मुसलमान पे खून माल इज्जत हराम कर दी आज हम क्यों ये बात भूल गए और ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है जो आप अलैहि वसल्लम आखिरी खुतबे में कह रहे हैं आप अलैहि वसल्लम इसकी बात कर रहे हैं हकूकुल इबाद बात कितने जरूरी है ये आपको आखिरी खुतबा पढ़ के पता चलेगा तुम्हारा खून तुम्हारा माल और तुम्हारी आबरू एक दूसरे पर इसी तरह हराम है जिस तरह आज के दिन की मौजूदा महीने की और मौजूदा शहर की हरमत है सुन लो जहालियत की हर चीज मेरे पांव तले रोंद दी गई है जहालियत की हर चीज मेरे प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद वसल्लम अपने पाओ के नीचे रौंद के चले गए आज हम कहाँ से फिर वही जहालियत के रस्मों रिवाज़ वापस ले आए आज हम कहाँ फिर बेदात में पड़ गए जहालियत के खून भी खत्म कर दिए गए हैं और हमारे खून में से पहला खून जिसे मैं खत्म कर रहा हूँ वो रबिया बिन हारिस के बेटे का खून है ये बच्चा बनु साग में दूध पी रहा था कि बनु गुल ने इसे कत्ल कर दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा हमें क्या टीचिंग्स दी हैं सबसे पहले अपने घर से इब्तिदा करें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहालियत में किए गए तमाम खूनों को माफ करा दिया और आगाज कहां से की अपने घर से कहा उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहालियत का सूद खत्म कर दिया गया है अल्लाह अकबर ये खुतबा जब दो तीन दफा मैंने पढ़ा तो मुझे तो रोंगटे खड़े हो गए और मैंने कहा ये हम किस निजाम में जिंदा रह रहे हैं जहाँ पे सूद ही सूद आगे पीछे है और हम बींग मुस्लिम हम लोगों ने कितनी बड़ी एक्सक्यूज बना ली है कि सूद के बगैर तो कोई कारोबार नहीं हो सकता सूद लेने वाला सूद देने वाला इतनी सख्त इनके बारे में अहदीस है और आप सल्ला आखिरी खुतबे में कह के गए हैं कि आज के बाद सूद का काम नहीं होगा तो हम कैसे सूद के किसी भी कारोबार में मुलवस हो सकते हैं और जहालियत का सूद खत्म कर दिया गया और हमारे सूद में से पहला सूद जिसे मैं खत्म कर रहा हूं वह अब्बास बिन अब्दुल मुतलिब का सूद है आप वसल्लम बेशक बेहतरीन रहबर हैं हमें बेहतरीन बातें सिखाते थे सबसे पहले अपने घर से इबिदा की अब्बास बिन अब्दुल मुतलिब का सूद खत्म किया कहा जाता है कि उस वक्त अब्बास बिन अब्दुल मुतलिफ ऐसे एक्ट करते थे जैसे आजकल के बैंक यानी इनके पास इतना माल था और इतनी सूद की अमाउंट इनके पास आती थी जैसे आज बैंक्स के पास आती थी और आप सल अलाम ने किसी और को पहले नहीं कहा पहले अपने घर से इब्तिदा की अब ये सारे का सारा सूद खत्म है बड़ा बड़ा करके लिख लीजिए सारे का सारा सूद खत्म है मेरी जिंदगी में चाहे जो मसले भी आ जाएं जब अल्लाह सुबहानो तला ने कह दिया कि सूद खत्म है जब विदा के मौके पर आप वसल्लम ने आखिरी खुदबे में कह दिया कि सूद खत्म है तो कैसे हो सकता है कि मैं कोई भी एग्जाम्पन लेके कोई भी अपने लिए कोई भी स्केप लेके कोई भी बहाना लेके सूद लू या सूद दू हाँ औरतों के बारे में अल्लाह से डरो क्या शान है मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद की जिनके आने से पहले औरतों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था औरत की हैसियत नहीं थी उनके बारे में आपने आखिरी खुतबे में क्या कह रहे हैं हाँ औरतों के बारे में अल्लाह से डरो क्योंकि तुमने इन्हें अल्लाह के अमान के साथ लिया है और अल्लाह के कलमे के जरिए से इनकी शर्मगाहें हलाल की हैं इन पर तुम्हारा हक ये है के वो तुम्हारे बिस्तर पर किसी शख्स को ना आने दें जो तुम्हें गवारा नहीं अगर वो ऐसा करें तो तुम इन्हें मार सकते हो लेकिन सख्त मार ना मारना ये कैरेक्टर है आप वसल्लम का कभी भी वसल्लम ने वुमेन के राइट्स को कम नहीं किया बल्कि इस्लाम ही वो रिलीजन है जो जब रूए जमीन पर आया तो वुमेन को राइट्स मिले आज जो कहते हैं कि हम फेमिनिस्ट हैं वुमेन्स को राइट दिलाना चाहते हैं वुमेन के राइट्स के लिए तगदो कर रहे हैं जरा उनको तो बताइए कि इस्लाम वो रिलीजन है जिसने सबसे ज्यादा वुमेन को राइट्स दिए हैं और हर तरफ से उसकी इज्जत सिक्योर की है बींग वुमेन हमारा कै का काम है हमारी शादी से पहले हमारे वालिद हमारे निगरान है हमारे कवाम है शादी के बाद हमारे शोहर हमारे कवाम है इस बात को एक्सेप्ट कीजिए आपके हस्बैंड को जो पसंद है वो कीजिए जो पसंद नहीं है वो मत कीजिए एग्जैम्शन मत ढूंढे अगर हस्बैंड को नहीं पसंद कि आप किसी बंदे से मिले किसी फैमिली से मिले तो बिल्कुल ना मिले क्योंकि ये हुक्म तो हमें अल्लाह ने दे दिया है और उनकी गैर मौजूदगी में अपनी इज्जत और असमत की हिफाजत कीजिए मैं फेसबुक पर स्क्रॉल कर रही थी कि एकदम से एक मेरी जानने वाली की वीडियो मेरे सामने आ गई जो कि माशाल्लाह हिजाब लेती है बाहर और वो अपने टेबल पे बैठी थी और नाश्ता कर रही थी और वीडियो बना के उन्होंने एक पोस्ट लगाई हुई थी और नीचे कैप्शन दिया था आफ्टर द किड्स गो टू स्कूल फाइनली हैविंग सम पीसफुल मोमेंट्स और मैं देख के दो मिनट के लिए हैरान रह गई आज के जमाने की तरफ से देखो ना तो क्या हुआ कोई ऐसी वीडियो तो नहीं थी बस एक नाश्ता करते हुए वीडियो तो थी लेकिन उनकी चेहरे को उनकी इज्जत को उनके नंगे सर को कितने गैर महरम देखेंगे और क्या गैर महरम देख के उनके जहन में कोई ऐसे वैसे ख्याल नहीं आएंगे हम कैसे इस बात की गारंटी दे सकते हैं आज हमने हर चीज को इतना कमर्शलाइज कर दिया है कि नाश्ता करते वक्त तस्वीर लगाना जरूरी है खाना खाते वक्त तस्वीर लगाना जरूरी है हर इवेंट में तस्वीर लगाना जरूरी है और हम भूल ही गए हैं कि अल्लाह सुबहान तला ने हमें क्या अहकाम दिए हैं बींग वमेन हम पे बहुत बड़ा फर्ज है कि जब हमारे शोहर घरों में ना हो उनका माल उनकी इज्जत की हमने हिफाजत करनी है और तुम पर इनका हक ये है कि तुम इन्हें मारूफ तरीके से खिलाओ और पहनाओ अल्लाह अकबर कितनी खूबसूरत बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, से ज्यादा वुमेन राइट्स के लिए बोलने वाला कौन था और अल्लाह से ज्यादा कौन है जिसने औरतों को इतने राइट दिए कि उनको बेहतरीन तरीके से खिलाओ और पहनाओ और मैं तुम में ऐसी चीज छोड़े जा रहा हूँ बहुत जरूरी है ये पॉइंट इसको गौर से सुनिएगा और मैं तुम में ऐसी चीज छोड़े जा रहा हूँ कि अगर तुम में इसे मजबूती से पकड़े रखा तो इसके बाद हरगिज़ गुमराह ना हो गए और वो है अल्लाह की किताब और तुमसे मेरे मुतालिक पूछा जाएगा तो क्या कहोगे हमें सिराते मुस्तकीम पे सिर्फ दो चीजें रख सकती हैं, एक कुरान और एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनते कुरान की बहुत सी बातें हमें प्रैक्टिकली बल्कि सारी ही बातें हमें प्रैक्टिकली आप वसल्लम ने करके दिखाई आप ने तकलीफें बर्दाश्त की आप वसल्लम ने खुशी में गम में हमें कैसे रिएक्ट करना है वो सिखाया हालांकि हर छोटी छोटी बात हमें सिखा दी गई और अगर हम चाहते हैं कि हम सिराते मुस्तकीम पे रहे हम दीन में साबित कदम रहे तो कुरान और सुन्नत को मजबूती से हमने थामे रखना है इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि ने कहा कि तुमसे मेरे मुतल पूछा जाएगा तो क्या कहोगे सहाबा ने कहा हम शहादत देंगे कि आपने तबलीग कर दी पैगाम पहुंचा दिया और खैर ख्वाही का हक अदा फरमा दिया आज अगर देखा जाए तो हज पे कितना कितने लोगों का ग्रुप आता है बीस लाख चालीस लाख बहुत हो गया पचास लाख इतने भी जो लोग हैं वो संभालने नहीं होते और विदा के मौके पर एक लाख से ज्यादा हाजी मौजूद थे आम मामलात में जब आप वाले वसल्लम सहाबा कराम से सवाल पूछे थे तो वो जवाब नहीं देते थे लेकिन विदा के मौके पे उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के जवाब दिया अल्लाह का पैगाम जबर के जरिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाया गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कर को वो पैगाम दे दिया और अब जिम्मेदारी किस पे आ गई उम्मत मोहम्मदिया यानी हमारे कंधों पे अब हमारे पे ये जिम्मेदारी आ गई कि हमने ये पैगाम आगे पहुंचाना है आप वसल्लम ने जब खुतबा दे दिया तो आप वसल्लम ने फरमाया पहुंचा दिया फिर फरमाया अला अल बलगतु क्या मैंने पहुंचा दिया के नहीं फिर फरमाया अला अल बलगतु क्या मैंने पहुंचा दिया के नहीं सवा लाख का मजमा था सवा लाख का मजमा था जहां पे कोई स्पीकर्स नहीं थे जहां पे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जहां पे कोई मींस नहीं थे कि आप सल्ला की बात पहुंचाई जाए एक एक हर्फ को आप सल वसलम तीन तीन मरतबा जो थे वो रिपीट करते थे पहले दाहिनी तरफ आपने मुँह करके फरमाया फिर सीधा मुँह करके आप सल वसलम ने फरमाया फिर बाई तरफ मुँह करके आप सल्हु वसम ने फरमाया कि क्या मैंने पहुंचा दिया हमने बहुत से मकाम पे देखा है कि सहाबा का राम आप सल अलाम के सवालों का जवाब नहीं देते थे खामोश रहते थे या अगर कहते थे तो ये कहते थे कि अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जाने लेकिन यहाँ पे चार जवाब दिए गए ए नबी हम गवाह हैं, आप सल अल्लाह वसलम ने हक रसालत अदा किया है आपने हक इमानत अदा किया है आपने उम्मत की खैर ख्वाही का हक अदा किया है आपने हर किस्म के अंधेरों के पर्दों को चाक कर दिया है सहाबा कराम ने गवाही दे दी और आज हम भी गवाही देते हैं कि यारसूल हजरत मोहम्मद वसल्लम हमारे प्यारे नबी आपने बेशक हम तक दीन पहुँचा दिया है ये सुनकर आप वसल्लम ने शहादत की उंगली को आसमान की तरफ उठा उठाया और लोगों की तरफ झुकाते हुए फरमायाशहद अशहद अल्लाह मशहद ए अल्लाह गवाह रहे ए अल्लाह गवाह रहे ए अल्लाह गवाह रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपना पैगाम पहुंचा दिया तेईस साल की जिदोजहद आज पाए तक मील तक पहुंच गई और भारी जिम्मेदारी अब किस पे आ गई उम्मते मुस्लिमा पे इस खुत में आपने मजीद कई अमूर बयान फरमाए और जब फारिग हुए तो आप पर अल्लाह ताला का ये इरशाद नाजिल हुआ आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बहसिय बहसियत दीन पसंद किया हमारे लिए इस्लाम को बहसियत दीन किसने पसंद किया हमारे अल्लाह ने और आप सल अला वसल्लम के तमाम जरिए तमाम इस्लाम हम तक पहुंचा दिया जरा खुद से तो ये सवाल करिए कि ये दीन जो हम तक पहुंच चुका है ये मुझे कितना आता है ये पैगाम तो मुझ तक पहुंच चुका है और अब मैं कहाँ पे खड़ी हूं मैं अगर कल गवाही देना चाहूं कि इस दीन को मैंने आगे पहुंचाया है तो मैं क्या करूंगी आप अलैहि वसल्लम ने तो हम पे भारी जिम्मेदारी डाल दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो मौजूद है इसके जिम्मे है कि पहुंचाए और जो यहाँ मौजूद नहीं है या गायब है उसके जिम्मे भी है वो पहुंचाए शाहिद और गायब के लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं शाहिद कौन जो मौजूद है गायब कौन जो उस वक्त वहां नहीं थे और क्यामत तक आने वाले लोगों तक हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी उम्मत होने का फर्ज मनसबी निभाए आज हम कहते हैं क्या जरूरत है क्या फर्क पड़ेगा फर्क तो पड़ेगा जब उस रोज आपसे सवाल करेंगे तुम थे तुम्हें पता चल गया था तुम तक दिन पहुंच गया था तुम्हें पता चल गया था बिदात क्या है सही दिन क्या है कुरान के अहकाम क्या है मेरी सुनते क्या है तुमने आगे क्यों नहीं पहुंचाया, और वो बेचारे जिन तक अभी इस्लाम पहुंचा ही नहीं जिन तक अभी दिन पहुँचा नहीं कल जब वो हमारे गिरबान आप सल के सामने पकड़ेंगे कि ये खुद तो दीन तक पहुंच गए लेकिन इन्होंने कोशिश नहीं की कि ये दीन आगे पहुंचे तो हम क्या जवाब देंगे ये वो पॉइंट है जो मुझे स्पीचलेस कर देता है ये वो पॉइंट है जो मुझे हिम्मत देता है कि कल मैं फिर खड़ी हूं और अपनी कमियों पोताइयों के बावजूद पूरी कोशिश कर लूं कि शायद मेरी आवाज किसी के कानों में पहुंच जाए शायद किसी का दिल बदल जाए शायद कोई इस्लाम ले आए और ये वो कोशिश है जिसको आप वसल्लम ने उम्मत मोहम्मदी होने के नाते हम पे मास्ट कर दिया है आज हमने अपने आप को बहुत सी जमातों में डिवाइड कर लिया ये तबलीगी जमात वाले हैं ये फलाने हैं ये फलाने हैं हालांकि तबलीग करना तो हर मुसलमान पे फर्ज है अच्छी बातों का हुक्म देना बुरी बातों से रोकना हर मुसलमान पे फर्ज है और आज आपने खुदबा हिजतलिदा पढ़ लिया आप वसल्लम ने तो फरमा दिया कि आज दीन मुकम्मल हो गया उन्होंने हम तक पहुंचा दिया शाहिद लोग सहाबा कराम जो सब प्रेजेंट थे उन्होंने गवाही दे दी कि दीन मुकम्मल हो गया और आज आपको भी पता चल गया और एक और भारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पे आ गई कि ये बातें हमने आगे लाजमी पहुंचानी है वरना कल को हम कैसे जवाब दे होंगे खुदबे के बाद हजरत बिलाल ने अजान दी और फिर इकामत कही और दो रकत ज़ोहर की नमाज पढ़ाई फिर इकामत कही और आपने दो रकत असर की नमाज पढ़ाई दोनों को जहर के वक्त में जमा तकदीम के तौर पर इकट्ठा किया और इन दोनों के दरम्यान कोई नमाज नहीं पढ़ी फिर जाए वकूफ पर तशरीफ लाए ऊंटनी का शिकम चटानों की जानब किया और किबला रुख मुसलसल वकूफ फरमाया यानी मुसलसल खड़े रहे यहाँ तक के सूरज गरूब हो गया और थोड़ी जर्दी चली गई फिर रवाना होकर मुजदलफा तशरीफ आए और वहां मगरिब और ईशा की नमाज एक अजान और दो अकामत से पढ़ी और दरमियान में कोई नमाज ना पढ़ी फिर आप लेट गए और तलुए फजर तक लेटे रहे फिर सुबह तड़के की नमाज पढ़ी और मशर हराम आ गए और वहां किबला रुख होकर दुआ तकबीर और तहलील और तोहहीद के कलमात कहते रहे यहाँ तक के खूब उजाला हो गया इसके बाद सूरज तलु होने से पहले मना के लिए रवाना हो गए जमरा कुबरा पर आकर सात कंकरियां मारी हर कंकरी के साथ तकबीर कहते जा रहे थे इस जमरे को कंकरी मारने तक आप को काटते रहे और कंकरी मारने के साथ ही तलबिया खत्म कर दिया नेस इस जमरे के पास ठहर कर आप ये भी फरमाते थे मुझसे अपने आमाले हज सीख लो गिबन मैं इस साल के बाद हज ना कर सकूंगा आज हमने क्या हज पे जाने से पहले अगर मैं आज पूछू ना कि कौन कौन चाहता है कि हज पे जाए सबके हाथ खड़े होंगे मैं तो कहती दोनों हाथ खड़े होंगे हम चाहते तो हैं लेकिन क्या हमने सीखे हैं क्या हमने आप ले लाओ ले वाली वसल्लम ने जो हमें प्रॉपर तरीके बताए हैं दुआएं बताई हैं तरीका बताया है क्या हमने सीखा है तो बहुत शर्मिंदगी से बहुत कम लोग कहेंगे कि वो जानते हैं हर फर्ज को अदा करने से पहले बहुत जरूरी है कि उसका प्रॉपर तरीका सीखा जाए। अगर आप हज की नीयत करते हैं तो जरूर कोशिश करिए कि हज के अरकान को मनासिक को प्रॉपर तरीके से सीखिए फिर आप मना में अपने डेरे पर तशरीफ लाएं और अपने दस्ते मुबारक से सो में से 63 ऊंट नहर किए यानी 100 में से 63 ऊंट जो थे वो नहर किए बाकी 37 ऊंट हजरत अली रजीला तआला अनहु ने नहर किए फिर आपके हुक्म से हर ऊंट का एक-एक टुकड़ा काटकर हांडी में डाला गया जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और और लोगों ने इसका गोश्त तनावल किया और शोरबा पिया कुर्बानी से फारिग होकर हिजाम को बुलाया और सर का दाहिना हिस्सा पहले मुंडवाया इसने मुं... इसनेूंट कर एक एक दो दो बाल लोगों में तकसीम किए क्यों बाल तकसीम किए क्योंकि आप सलम के बाल थे फिर बाया हिस्सा अबू तल्हा तला को दे दिया फिर आप सल्म ने अपने कपड़े पहने खुशबू लगाई और इसके बाद सवार होकर बैतुल्ला तशरीफ लाए और तवाफ अफाजा किया लेकिन सफा मरवा के दरम्यान सही नहीं की क्यों नहीं की क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के राम कर रहे थे इसके बाद जोहर की नमाज पढ़कर बनू अब्दुल मुत्तलिब के पास आए वो लोग जमजम पिला रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बनू अब्दुल मुत्तलिब तुम लोग पानी खींचो अगर ये अंदेशा ना होता कि लोग تمہارے پانی पिलाने के इस काम में तुम्हें मغلوب कर देंगे तो मैं भी तुम लोगों के साथ खींचता चुनाचे उन्होंने आपको एक डोल पानी दिया और आपने इसे पिया इसके बाद आप मना वापस आ गए और वहां अयाम तशरीक यानी बारह तेरह जल्हाजा तक ठहर कर तीनों को रोजाना सूरज ढलने के बाद कंकरी मारते रहे जमाए सुगरा से शुरू करते इसे सात कंकरियां मारते और हंग हर कंकरी के साथ तकबीर कहते फिर जमाएसता और इसके बाद जमाए कुबरा को कंकरी मारते नबी वसल्लम हर रोज दरसो तदरीस करते हर रोज खुतबा देते और खुतबे के अल्फाज वही होते जो अभी हमने पढ़ा है नबी वसल्लम ने योम नहर दसवीं तारीख को भी एक खुतबा दिया फिर अयामी तशरीक के दरम्याने दिन बारहजा को भी एक खुतबा दिया जिसमें खुदबा अरफा की बातों की ताक़द फरमाई और मजीद नसीहतें भी की आयाम तशरी के दरमियाने दिन खुतबे से पहले सुर नाजिल हो गई सुर नाजिल हो गई तेरह जिल्हजा को जो अयाम तशरीक का तीसरा और हज से वापसी का दूसरा और आखिरी दिन है और यह मंगल का दिन था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रात को कंकरियां मारकर मना से कूच फरमाया और अक्ता में उतरकर वहीं जोहर असर और फोर की नमाजें पढ़ी और वहीं से उमुल हजरत आयशा रजी तनो को इनके भाई हजरत अब्दुल रहमान बिन अबू बकर रजी तनों के साथ भेजा कि इन्हें तनईम से उमरा करा लाएं क्यों भेजा हजरत आयशा रजी तलाहो जब मक्के में हज के लिए एंटर हुई थी तो उन्हें हैज आ गया था उन्होंने वेट किया उनके हैज के दिन से जब वो पाक हो गए तो सोचे इतने लोगों का काफिला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दिया उनके भाई से कहा कि जाएं और उनको उम्र करवा के लाएं और जब वो उम्र करवा के लाए जब हजरत आयशा रजील तला आ गई तो कूच का ऐलान किया और सोमवार और सवार होकर खाना काबा तशरीफ ले गए तवाफे विदा किया और फजर की नमाज पढ़ी फिर ज़ेरी ने मक्का से निकल कर मदीने का रुख किया जब मदीना करीब आ गया और इसके आसार दिखाई देने लगे तो तीन बार अल्लाह अकबर कहा फिर फरमाया अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं वो तनहा है इसका कोई शरीक नहीं इसी के लिए बादशाहत है इसी के लिए तारीफ है और वो हर चीज पर कादिर है हम पलटने वाले तोबा करने वाले इबादत गुजार करने वाले और अपने रब की तारीफ करने वाले हैं अल्लाह ने अपना वादा सच कर दिखाया अपने बंदे की मदद की और तन्हा सारी जिमातों को शिक्स दी सारे का सारा क्रेडिट आप अलैहि वसल्लम ने किसको दिया अल्लाह सुबहाना को और आज हम इंसान क्या करते हैं जरा सी कोई कामयाबी मिली हम कहते हैं ये तो हमें हमारे टैलेंट की वजह से मिल रही है हालांकि ऐसा नहीं है जिस पे अल्लाह अपना करम कर दे जिसको अल्लाह अपने दीन के लिए चुन ले सिरिया उसामा बिजैन अव्वल यारह हिजरी अलैहि वसल्लम ने वापस आकर मदीने में क्याम फरमाया और तेईस साल पहले आपने जो दावत शुरू की थी इसकी कामयाबी और अल्लाह के दिन में फौज दर फौज लोगों के दाखिले का जो मंजर आपके रब ने आपको दिखाया इस पर आप इस पर इसकी हमदो हमदोसना करते थे एक बहुत बड़ा मिशन जो तेईस साल पहले शुरू हुआ और किस तरह शुरू हुआ रास्ते में आप सल्म ने कितनी मुश्किल देखी तायफ का सफर किया अपने प्यारों को हो दिया अमुल हुजन से गुजरे गजवाए बदर देखा गजवाए देखा गजाए तबूब देखा अपनी प्यारी बेटियों की वफा देखी और आज अल्लाह सुबहान तला ने दिखा दिया कि जोक जोक दर जोक, इस्लाम में दाखिल होना शुरू हो गए इस दौरान बाज वफूद का इस्ताल भी किया और हजरत उसामा बिन जैद रजीला तला को सात सौ फौजियों के साथ तैयार किया हुक्म दिया कि इलाका बल्का और दारूम के फलस्तीनी सरजमीन सवारों के जरिए से रोंद आओ ये लश्कर रवाना होकर मदीने से तीन मील दूर मकाम में जुर्फ में खायमा जन हुआ लेकिन रसुल्लाम की बीमारी के मुतलिक तशवीशनाक खबरों के सबब वहीं रुक कर नतीजे का इंतजार करने लगा अल्लाह का फैसला ये जाहिर हुआ कि रसुल्लाम ने वफात पाई और ये लश्कर

के एक जगह मर्दों सॉरी मुझे उस चीज़ का नाम भूल गया एक जगह जो है मर्दों का स्पेशल नाम कुरान मजीद में उन मर्दों के लिए रखा गया जिनको अल्लाह ताला घर का सरपरस्त बनाता है और वो अपनी औरतों की हिफाजत नहीं करते हिफाजत में उनकी आजकल ये तो नहीं कि खुलेआम कोई कत्ल हो रहा है जिससे उनकी हिफाजत बल्कि उनके पर्दे की उनकी दीन की हिफाजत में हिस्सा नहीं लेते जी, और कवाम का तो, लफ्ज इस्तेमाल किया गया है मर्दों के लिए और हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो हमारे कवाम हैं हवाम है।, है तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आज जैसे अभी आजकल के मर्द है अगर मैं हम अपनी फैमिली में भी होता है डिस्कस करते हैं जैसे हम दीन पढ़ रहे हैं अभी तो इतनी वार्निंग है कि हम किसी को कुछ समझाएं लेकिन अगर कोई हम ऐसी बात समझाते भी हैं तो आगे ये सुनना को मिलता है कि हमसे बढ़ हैं जी अगर हम बहनों के बारे में बात करते हैं या बीवियों के बारे में बात करते हैं और हमें इन्हें बताते हैं कि जिस तरह हमारी आजकल की बहनें इस तरह तैयार हो निकलती हैं हमारी बीवियां बगैर पर्दे के निकलती हैं तो ये चीज़ जो है वो गलत है और इस तरह होना चाहिए तो हमारे मर्द साफ़ तौर पर कह देते हैं जी हम हमारे तो कंट्रोल में नहीं है या हमारे मर्द खुद भी सफाई से होते हैं के जो इस चीज का ख्याल नहीं करते हम बहुत सी ऐसी जगह पे जाते हैं आपको तो मैं बताना चाहूंगी कि दो दिन पहले ही हम ऐसे एक जगह दावत कर गए जिनके वाले का यही शिकवा था कि हमारे जो बच्चे ने है जिस जगह शादी की है वो जो है वो बहुत मॉडर्न है तो जे और हमारा भाई भी इसी तरह का मॉडर्न हो चुका है तो मुझे वहां पर ये चीज़ बहुत ज्यादा आई कि जो पर्दा होता है ना वो जो अब बच्चा या और बच्ची अपने घर से लेकर आ रहा है वो नहीं होता ये हमारे शोहर का हमारे वालिद का हमारे भाइयों का काम होता है कि वो हमें पर्दे की तरफ लाएं लेकिन आजकल के मर्द साफ तौर पर ये कह के जी हमारे तो कंट्रोल में नहीं है हमसे बाला रहे हैं ये कह के पीछे हो जाते हैं तो हजूर सल्लम का गुजर एक ऐसी जगह से हुआ जहाँ पर ऐसे मर्दों को उल्टा लटका कर सख्त सजा दी जा रही आप आपब्राई साम से पूछा कि जो है वो अपने औरतों पर्दे की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली। तो उस औरतों के साथ साथ हमारे घर के मर्दों के ऊपर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि जहाँ कहीं से ही फैसला लेना है जहाँ कहीं से ही पर्दा कराना है औरत का तो वो इस चीज में बहुत अहम करदार अदा कर सकते हैं लेकिन हमारे हमने आजकल के माशरे में देखा है कि हमारे भाई साहब में अपने के अलावा दूसरे लोगों की भी बात करे की हम खास तौर तो पर हमारे भाई बहन ये कह देते हैं जी हमारे से तो बालाता रहें हमारी बीवियां भी बालतर हैं सब ये हैं वो हैं लेकिन उनको इस चीज़ का अगर एहसास दिलाया जाए कि आप अल्लाह ने इस खानदान का इस का सरपरस्त बनाया और आपसे इस चीज के बारे में क्या में पूछा जाएगा कि आया आपने अपनी औरत को इस तरफ लाने की कोशिश की आया आपने उसको डांटा आया आपने उसके ऊपर सख्ती की जब आप उनको आगे से ये जवाब देंगे तो आपके लिए अल्लाह ने बहुत सख्त रखा तो ये लिहाज से जो ये मसला है इसका हल कैसे हो सकता है आपके लिहाज से जी सबसे पहले जो है ना इसमें वालदेन के बहुत अहम करदार होता है हम देखते हैं कि चलिए हमारा अगर जो भाई है ना वो थोड़ा सा सख्त है या उसने अगर दीन से सीख भी लिया है कि जो है ना पर्दा कराना चाहिए तो लेकिन हमारे जो बादफ़ा पेरेंट्स आगे खड़े हो जाते हैं कि नहीं आपको किसने राइट दे दिया है पाला पोसा तो हमने है हम इनको करा लेंगे आपका कोई लेना देना नहीं अभी आप इतने बड़े हुए नहीं है कि आप जो है ना आप मैं वो बता नहीं सकती किसी को जब हमने बोला तो हमने आगे से कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए अच्छा जो जो ये 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 इतनी बड़ा जो आपने प्रॉब्लम शेयर किया ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसका सब तो बड़ा मसला पता है क्या है कि हमने अपने बच्चों को छोटे होते हुए कुरान तर्जुमे से नहीं पढ़ाया नहीं पढ़ाया बिल्कुल असल बात ये है कि हमें देखिये सख्ती करने हम उसके मराहल होते हैं सबसे पहले जो इरादा करें कि अपने बच्चों को तफसीर से तर्जुमे के साथ एक दफा लाजमी कुराने पाक बढ़ाएं ताकि उन्हें ये पता चल जाए कि अल्लाह सुबहान हमें क्या अहकाम दिए दूसरी बात है तरबियत में ये चीज़ शामिल करें कि बच्चों को बताएं कि ये अल्लाह ताला ने बड़ मर्द को अगर एक बीवी है ना चाहे आप मैं हूं अगर मैं अपने हसबेंड को वो दर्जा दूंगी तो कल मेरी बेटी मुझसे ये सीखेगी लेकिन अगर मैं जबान दराजी करूँगी या कहूंगी नहीं नहीं कुछ नहीं होता या मैं मेरी बात सुनी जाए या गलत बात भी मेरी मानी जाए तो ये तरबियत का बहुत असर है तरबियत में कमी आ रही है और मेजर कॉज क्या है कुरान से दूरी हमने कुरान पढ़ा नहीं उसको समझा नहीं क्योंकि अगर आप वैसे लोगों को कहेंगे ना लोग कभी भी नहीं आएंगे लेकिन आप हमेशा कोशिश किया करें बात किया करें कुरान की आयत के साथ कुरान की दलील के साथ ताकि आपका फर्ज पूरा हो जाए आप आगे पहुंचा दें बाकी किसी की भी मर्जी को माने या ना माने क्योंकि हमने अभी तक किसी का हमारा काम क्या है पहुंचा देना और पहुंचाना बहुत जरूर है जी ताहिरा आपने किया था वरहमत लाही वरक वाली वबरकत जी वो यही कुत्सा की बात से मेरे जहन में यही बात आई थी वो खैर आपने कर दिए मुकम्मल कर दिए कि यही के बच्चे हमारे अभी तक कुरान जो है वो नहीं पढ़ते ना तर्जुमे के साथ तो अगर हमारे जो मर्द हैं वो इस चीज को पढ़ेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि इस्लाम में क्या काम आते हैं। किसी की बात में करती नहीं हूँ मैं अल्लाह ताला ने मुझे बड़े जहालियत के अंधेरों से निकाला है मैं किसी की बात नहीं करती मुझे जब कोई कहता था ना कि दुबट्टा करो तो मैंने ये दौर देखा है तो मैं कहती थी मैं क्यों करूं मैं क्यों करूं दूसरी बात है हमारी सोसाइटी ने भी जहालियत को मॉडर्निज्म का नाम दे रही है जाहल होना और मॉडर्न होना बहुत फर्क चीजें हैं एक पर्दे की खातून भी मॉडर्न हो सकती है ये हमारी सोच जो है वो डिफर हो गई है दूसरी बात है फर्क कहां आया जब मुझे किसी ने प्रॉपर दलील नहीं दी लोगों ने या आंटियों ने सख्ती से तो मुझे कह दिया सर कवर करो ये कैसे कपड़े पहने हैं लेकिन ये नहीं बताया प्यार से बेटा अल्लाह ताला ने ना मना किया है आप ऐसे करो कि आप फलानी सूरत ना एक दफा पढ़ लो या प्यार से नहीं समझाया गया और अल्लाह की तालीम को नहीं पहुंचाया गया अगर मैं आपको चाइनीज की कोई किताब दे दू मैं कहूँ जरा मुझे तायरा पढ़ के सुना दें आपको कुछ नहीं समझ आएगी फिर मैं सवालों जवाब भी शुरू कर दूँ आप फतवे भी लगाऊंगी आपको गुस्सा आएगा क्योंकि आपको समझ नहीं आई बहुत जरूरी जिनके बच्चे ग्रो अप कर रहे हैं अगर आप चाहते हैं ना आपके बच्चे बच जाए कुरान का की तस्वीर और तर्जुमा कर लें। एक दफा उनके कान से गुजार दें आप पे ये मस्त है ये हम पे मस्त है क्योंकि अरबी हमारी लैंग्वेज नहीं है तो बहुत जरूरी है कि हम लाजिम कर लें अपने ऊपर कि हमने अपने बच्चों को इससे गुजारना है किसका हैं जीब मुस्तरत असलामेकुमे अच्छा ये जैसे हम डिफरेंट चीज़ें जो भी डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले अभी जब मैंने ये तजलियात नी तो इसमें जो चीज़ मेरे अंदर पैदा हुई है नबी किम सल्ला वसलम से मोहब्बत अब यहाँ पर एक, एक है कि हम अपने बच्चों में अल्लाह और उसके रसूल की अगर मोहब्बत पैदा कर देना और वो महब्बत जो हर चीज़ से बढ़ के हो तो फिर हमें बहुत सी चीज़ें बच्चों को बतानी नहीं भी पड़ेंगी वो ऑटोमेटिकली उनको फॉलो करेंगे Exactly. सिर्फ और सिर्फ ये तभी हो सकता है कि जब हम अल्लाह ताला की हम हमेशा बच्चा जो कोई बुरा काम करते हैं तो हम कहते हैं कि अल्लाह गुनाह देगा लेकिन हम ये नहीं कहते कि अल्लाह ताला आपको नहमते भी दे रहे अल्लाह ताला की रहमत जो है वो बेपाया है वो तो सो माओ से भी बढ़ के भी आपसे प्यार करता है हम सिर्फ गुनाह से और अजाब से तो डराते हैं लेकिन उसकी रहमत के नजदीक बच्चों को नहीं करते तो मेरे हाल में मोहब्बत एक सबसे एक बुनियादी पहलू मुझे ऐसा लगता है और डेफिनेटली हम आसपास के बहुत से लोगों या गवर्नमेंट ये, ये नाफि कर दें वो नाफिज कर दें उससे सबसे पहले इंडिविजुअली कोशिश जो है हमारी अपनी जात से लेके फिर अपने घर वालों से फिर ही हम आगे इसको फैला सकते हैं कितनी खूबसूरत आपने बात की है और मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चे में जो चीज जल्दी पैदा हो जाए वो बहुत जरूरी है हम चाहते हैं कि बच्चों के अंदर हमारा डर हो लेकिन बच्चे के अंदर तो अल्लाह का डर होना चाहिए वो हमारे डर से गलत काम ना करे हमारे पीछे तो आपको क्या पता कि जब वो अकेले में होगा ना करे लेकिन जब उसके दिल में अल्लाह का डर होगा मैं हमेशा अपने छोटे वाले बेटे को कहती हूँ कि तुमने गलत काम किया कहता है हाँ तो मैं कहती हूँ अच्छा उस वक्त मामा नहीं देख रही थी कहता है नहीं तो मैंने कहा बेटा कौन देख रहा था और उसके दिमाग में घुस गया वो खुद से बोलेगा कि अल्लाह देख रहा था हो सकता है अभी इफेक्ट ना उस पर क्योंकि उम्र ऐसी है ना लेकिन ये अगर लाशूर में भी बात बैठ गई तो किसी ना किसी मौके में और जिसके शूर में ये बात बैठ जाती है कि अल्लाह मुझे देख रहा है वो गुनाह की तरफ जा ही नहीं सकता अगर सिर्फ इतनी बात ही हम उनके शूर में डाल दें वो और दूसरी बात है अल्लाह सुबहानो रहमान है रहीम है खुद भी इस बात का यकीन रखिए इतना रहमान इतना रहीम है कि वो कहता है कि जब मेरा बंदा खालिस्तन तोबा करके मेरी तरफ पलट आता है तो मैं उसी वक्त उसको माफ कर देता हूँ तो हमें तो उसकी रहमानियत और रहीत पे पूरा भरोसा होना चाहिए और आप अलैहि अलाम की तरफ हमें कभी कभी गुस्सा करना पड़ेगा ये नहीं हो सकता कि हमेशा आप टॉलरेंट रहे लेकिन ज्यादातर कोशिश करें कि अपने आपे से बाहर ना हो और जब गुस्सा बहुत आ रहा हो तो आप सल को याद करें जी शबनम आप कुछ कहना चाहेंगी वालेक अच्छा जी सबकी बातें मैं सुन रही हूँ सब ने बहुत अच्छा बयान किया सब ने बहुत अच्छा बताया किया तो हम तो मैं तफसीर पढ़ी एक दफा मैंने पहले भी तो उसमें ये लिखा हुआ था जो हमारे बाप करके करते आ रहे हैं हमने उनको फॉलो नहीं करना जो उन्होंने नहीं उन्होंने ने नहीं पढ़ा अगर हुँ. हम लोगों ने पार, अगर हम ने थोड़ा कुछ हमनेता फरमा दिया अगर हम बताना भी कोशिश करते हैं ना किसी को, अब ने को, को बता किसी को, जसी 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 ने पहले बताया कि ये बिदात हराफा है इसी इसी महीने के अकॉर्डिंग माँ को बताना चाह रही हूँ कि ये नहीं करना तो कहते नहीं ये हमारे सास ने कहा ये करना है हमारे वाले करते थे हमें भी करना है या खीरे हनीमे पकानी जो जो चीजें वगैरह ना अगर हम कुछ समझ हो हम उनको बताते हैं गाइड करने की कोशिश करते हैं वो हमें चुप करवा देती है तो फिर बंदा क्या करे क्या ना करे बंदा खामोश फिर हो ये करे कि फिर अब दिल में अल्लाह ताला से कहे कि अल्लाह ताला मैंने पहुंचा दिया और मैं इसका हिस्सा नहीं और हरगिज ऐसी महफिल का हिस्सा ना बने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमेशा कहा है गरीबों को खाना खिलाओ मस्किनों को खाना खिलाओ एक दूसरे को तोहफे दो हमने जब एक चीज स्पेसिफिक डेट पे हम करना शुरू कर देते हैं ना तो वो बन जाती है बिदत आपने भी हमने जब अजवाज का भी पढ़ा डेट्स कभी भी प्रॉपर पता ही नहीं है क्यों क्योंकि पहले उनको सेलिब्रेट नहीं किया जाता था पहले बर्थ सेरेमनी और डेथ सेरेमनीज होती ही नहीं थी और नहीं हैं, लेकिन exactly इसमें पता ही नहीं है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक महीने या दिन का मुसलमान नहीं होता मुसलमान तो ट्वेंटी फोर सेवन मुसलमान होता है उसका तो काम है कि हर रोज वो अच्छे काम करे हर रोज वो नेकी के काम करे और किसी चीज को स्पेसिफाई ना करे हमारी बिदतें इसलिए ज्यादा होगी क्योंकि हमने हर चीज को एक स्पेसिफिक डेट के साथ मुंसलिक कर दिया अब हमने क्या करना है कि अभी बारह रिव्यू लेवल आ रही है फ्राइडे को अभी मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि आप उसी दिन आप तकमील कर लें सीरत की मैंने कहा कर नहीं करूंगी तो जरूर लेकिन उस दिन पे नहीं करूंगी क्योंकि लोग फिर उसको उस चीज से रिलेट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हमदल्ला हम पे बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ने हमें तोफीक दी है कि हमने सीरत पढ़ ली है अब हमारा काम क्या है आहिस्ता आहिस्ता सबसे पहले अपने अंदर वो चीजें फिर अपने और मदर्स या आपके घर में कोई तो जिंदगी में आपका एक बंदा होगा जिसपे आपका जोर चलता हो उसको लाजमी कुरान जो है वो तबसर के साथ पढ़ाएं ये नहीं कहना कि मैं तुम्हें कह रही हूँ दुपट्टा करो या मैं तुम्हें कह रही हूँ ऐसे करो अल्लाह का हुक्म है ये उसका हुक्म है जिसने मुझे बनाया है मेरा काम है सिर्फ कहना इवन अपने बच्चों को भी कहती हूँ बेटा मेरा काम है आप तक पहुंचाना नहीं करेंगे तो सब सबने अपने कब्रों में जाना है ये बात कहीं तो बड़ी सफ़्त भी लगती है लेकिन रियलिटी तो यही है कि जब कब्र में भी चले जाएंगे ना औलाद काम आएगी ना माल काम आएगा ना कोई रिश्ता काम आएगा आज बहन भाई जो हमें इतने प्यारे लग रहे हैं हमें डर लग जाता है हमसे नाराज ना हो जाए वो भी काम नहीं आएंगे अल्लाह ताला से जी ताहिरा कुछ कहना चाह रही है जी मुझे आपकी बात से एक बात याद आई है मेरे हस्बैंड ने मुझे कह रहे थे ना कि नया सूट सिलवाना है अच्छा। तो मैंने उनसे पूछा कि किस चीज के लिए सिलवाना है तो कह रहे हैं कि वो रबी आ रही है तो इसलिए पहनना है मैंने कहा आप सूट सिलवाए लेकिन अगर आप जुम्मे की नीयत से पहनते हैं कि जुम्मे वाले दिन पहनना चाहते फिर तो ठीक तो है लेकिन बारह रबी करके उसको नहीं पहनना आपने ऐसे यह देखिये चीजें सेलिब्रेशन से मना नहीं किया गया अच्छी सी बातें करें अः रबी उलवल के दिन अच्छी सी कोई हदीस निकाल लें बैठ के फैमिली के साथ शेयर करें इरादा करें हम इस पर अमल करेंगे लेकिन गलत नियतों से जो काम हो रहे हैं उसका पार्ट हमने नहीं बनना और आज जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी का हमें पता चल गया है जो अल्लाह सुबहान तला ने हम पे डाली है उमत वस्त होने के नाते इस्लाम हमने सीखना है और आगे फैलाना है ये हम सब पे फर्ज है अल्लाह सुबहान तला से मेरी दुआ है कि हम हर किस्म की बदाद से दूर हो जाएं हम दीन के लिए अल्लाह के लिए खालिश हो जाए अल्लाह सुबहान दीन के बेहतरीन काम ले ले हम अल्लाह के प्यार में मैं कहती हूँ हमेशा डर के नहीं अल्लाह की मोहब्बत में दीन के काम कर दें और जब मोहब्बत में काम करेंगे तो ये छोटी छोटी सी बातें सब्र करना गुस्सा न करना पर्दा करना हक न मानना इबत न करना ये सब काम करना हमें मुश्किल नहीं लगेगा अल्लाह सुबहाना आपसे मुझसे राजी हो उमत वस्त होने की जो जिम्मेदारी आप सल अल्लाह हमारे कंधों पर डाल गए हैं अल्लाह हमें तोफीक दे कि हम आसन तरीके से उसको पूरा करें दीन की तालीम खुद भी ले दूसरों को भी दे क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि व वसल्लम ने फरमाया तुम तो में से बेहतरीन वो है जो दीन सीखे और सिखाए आज के लिए इतना ही सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक अस्सलाम अलैकुम वा व रहमतुल्लाह व बरकातहू तवा अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकात अल्लाह